एक क्वेश्चन दिया हुआ कि एक हज़ार तक कितनी संख्या है जो दस और तेरह दोनों से गुणा गुणज हो मतलब कितना उसमें दोनों को गुणज होना चाहिए तो इसका मतलब इसको क्या करें इस दोनों में गम कॉमन होना चाहिए इसमें 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 एसमिया जो 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 गुणज जो होगा तो इसलिए तो इस दोनों को गुणज होना चाहिए तो दोनों का अगर एल्सियम निकालेंगे तो दस गुना, जो गुना जो दोनों में देखेंगे इसमें एल्सियम इसमें कोई इसमें कोई फैक्टर हल ही नहीं है तो क्या करेंगे इसमें डायरेक्ट गुना कर देंगे तो एक आ जाएगा तो एक ले क्या करें में हम एक ले भागा देंगे तो कट जाएगा यह कटेगा यह तेरह इक्यानवे ते तेरह सत्यानवे ते हो जाएगा तो इक्यानवे हो जाएगा तो इसके मतलब कि नौ बार में लगभग नौ बार में इसमें जाएगा तेरह सत तेरह सतानवे तेरह सते इक्यानवे हो जाएगा तो आता है नौ जाएगा तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका सात अगले आगे, आगे की ओर बढ़ेंगे हम आ, कि इसमें कहा है कि तीन सौ तक तो कितने संख्या है जो पाँच और सात से विभाज्य है इसमें भी कोई फैक्टर नहीं इसमें कोई फैक्टर नहीं डायरेक्ट एल्शियम निकालेंगे तो इस कैल्शियम जब निकालेंगे एल्शियम निकालेंगे इसका तो पाँच और सात हो जाएगा सात पाँचे पैंतीस हो जाएगा पैंतीस किस भागा दे, भागा देंगे तो कट जाएगा हो जाए हो जाएगा आपका बारह पाँचे साठ साठ हो जाएगा इतना हो जाएगा तो हो जाएगा नौ सौ ते तिरसठ नौ सत्त आठ बहुत कहता है नौ कहता है सतहठ छप्पन सतावाठ छपन हो जाएगा तो छप्पन ही जाएगा सतावा छप्पन तो आठ हो जाएगा आंसर क्योंकि कम जाता है अब मान लग जिसलिए हम भाग दे रहे हैं भाग भागफल जो आएगा जो आपका मतलब भाग भागफल जाएगा उसी भागफल जो हो जाएगा आपका मतलब कि वो संख्या हो जाएगा मतलब जो दोनों से भाग अति हो जाएगा अब कह रहे कि इसमें कह रहा है इसका पंद्रह पे पावर जो है पच्चीस में कुल अभाज संख्या अभाज गुणनखंड की संख्या घात करें करेंगे कुल अभाज संख्या गुणनखंड की तो इसका दे अभाज तो इसका जब पाँच गुना ती, तीन गुना पाँच गुना पंद्रह इसका इसका ते इसका पच्चीस इसका पच्चीस हुआ था पच्चीस से पच्चीस कितना हो जाएगा पचास अब इसमें देखिए इसमें वन नहीं लेना है क्योंकि अभाज्य संख्या पूछ रहा था भाज अभाज्य संख्या जो आपका वन इसमें नहीं कुछ बच्चा इसमें वन भी ले लेता है पचहत्तर ले देगा दिक्कत तो हो जाएगा समझ क्योंकि अभाज्य संख्या आपका वन वन नहीं है आए तो वो बढ़ते हैं कह रहा है इसमें कि अड़तालीस पे पावर आप अड़तालीस पावर बीस है तो के कुल अभाज्य अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए तब इसको तोड़ना पड़ेगा दो इसको तोड़ेंगे इसको अड़तालीस को तोड़ेगा देखता हो जाएगा दूला भगा देंगे तो हो जाएगा चौबीस इसलिए भगा देंगे तो हो जाएगा बारह इसलिए भगा देंगे तो हो जाएगा आपका छः इसको भगा देंगे तो हो जाएगा आपका तीन तो, देला, तो, देला तो देला हो जाएगा सोड़ती अड़तालीस डू पे पावर हो जाएगा दू पे पावर हो जाएगा आपका चार और गुना हो जाएगा आपका तीन पावर एक तो इसमें हो जाएगा आपका अस्सी हो जाएगा आई हो जाएगा बीस मतलब टोटल हो जाएगा आपका सौ क्योंकि इसमें गुना करेंगे तो बीस मतलब बी ए चार गो ना दो दो तो बीस 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 चार गो बीस तो अस्सी हो जाएगा और एगो तीन तो बीस तीन और बीस बीस अब अस्सी हो जाएगा बीस गो तीन पावर बीस हो जाएगा तो उसका पावर हो जाएगा तीन पे पावर बीस हो जाएगा ना तो उसको मतलब जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका सब हो जाएगा आगे बढ़ते हैं इसको कह रहा है कि आभ गुणनखंड की संख्या ज्ञात करेंगे उसी तरह बताना है तो इसमें इसको करेंगे तो तीन हो जाएगा टू पे पावर हो जाएगा टू पे पाउंड एट को हम लोग बीस करेंगे तो इसको हो जाएगा दो पे नहीं तीन हो जाएगा बीस तो दो पे पाउंड हो जाएगा साठ मतलब बीस तीन साठ हो जाएगा तो ये हो जाएगा साठ और इसका हो जाएगा का है ना तीन गुना पाँच इसका है पंद्रह का तो पंद्रह का दू गुना पाँच हो जाएगा तो येगा आपका तो अड़तालीस हो जाएगा ये इसका और इसका ये कहीं पंद्रह तो हो जाएगा आपका साठ अड़तालीस पंद्रह तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका पचहत्तर अब पचहत्तर में अड़तालीस जुड़ेंगे तो हो जाएगा नौ छः नौ मतलब आठ है पाँच तेरह हाथ लगे एक या ग्यारह एक बारह मतलब कि तेईस एक सौ एक सौ तेईस हो जाएगा एक सौ तेईस हो जाएगा अगला कह रहा है इतना इतना में अभाजु खंड ज्ञात कीजिए इसमें ज्ञात करना है तो ध्यान दे टू पे सिक्स पावर हो जाएगा तीन सौ तैंतीस इसको कहते टू गुना तीन हो जाएगा तो हो जाएगा तो तीन सौ तैंतीस तो हो जाएगा ये छः सौ हो जाएगा कितना दो लोग दूगा नहीं दू तो छो छसठ हो जाएगा इसका और इसका इस सात पे पावर जो है बाईस ही इसमें कुछ ही नहीं प्लस, 200, आ, एक एक, एक, एक एक तो प्लस डायरेक्ट जोड़ेंगे टू सौ इतना जोड़ देंगे आठ पे पावर ग्यारह एक सौ ग्यारह है तो इसको जो टू पावर हो जाएगा तीन तो हो जाएगा ये हो जाएगा तीन सौ तैंतीस तो ती ये ती हो जाएगा तीन सौ तैंतीस हो जाएगा तो ये पाँच सौ पचपन हो जाएगा छः सौ पाँच सौ पचपन जोड़ेंगे तो छः पाँच छः पाँच हो जाएगा छः पाँच ग्यारह ग्यारह एक छः पाँच ग्यारह बारह के दो छः पाँच ग्यारह बारह दो हो जाएगा बारह सौ ये इक्कीस हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कह रहा है किसमें कह रही है इसमें दो पे पावर जो है आपका छः पे पावर हो जाएगा छ पे पावर दस ये हो जाएगा सात पे पावर है सत्रह ये पाँच पे पावर है आपका पचपन ये हो जाएगा ग्यारह पे पावर हो जाएगा एक सौ इक्कीस तीस को जो है ये गुणाक बताना है तो पे पर दो गुण तीन है ऐसे है इसको करेंगे इस सात पे कोई हल ही नहीं है या पाँच पे कोई हल ही नहीं है इसका ग्यारह पे कोई हल ही नहीं है एडिया करेंगे हम लोग को बताना है भाज गुणा ये हो जाएगा आपका दस दस बीस ये हो जाएगा सत्रह ये हो जाएगा पाँच पचपन ये हो जाएगा एक सौ इक्कीस तो जोड़ेंगे हो जाएगा सैंतीस सैंतीस इकहत्तर हो जाएगा आपका छिहत्तर छः के साथ छिहत्तर हो जाएगा आपका सैंतीस तो हो जाएगा आपका छः पाँच तेरह आई दस सात तीन दस एक ग्यारह एक दो सौ हो जाएगा दूसरा हो जाएगा आपका तेरह दो सौ तेरह हो जाएगा ये होगा अब कह रहा है कि इतना इतना का भाजग्र गुणनखंड ज्ञात करें ध्यान देना इसमें इसमें ध्यान दे रहेगा बर चौक बर अड़तालीस तो बर चौक अड़तालीस यहाँ पर बचेगा आपका ये जाएगा कट जाएगा ये तो कहानी खत्म हो जाएगा बर्चोग। बर्च, बर्च, बर चौक बार बार बर चौक अड़तालीस तो चार तब तो हो जाएगा टू पावर हो जाएगा फोर पावर हो जाएगा ये हो जाएगा अब इसमें रहा इसमें बात रहा तो इसमें कह दो पावर इसमें पंद्रह कर लेंगे पंद्रह गुना तो पंद्रह गुना तीस तो पंद्रह गुला तीस कट जाएगा तो पंद्रह हो जाएगा टू पे पावर पंद्रह तो आई हो जाएगा टू पंद्रह पावर तीन तीस हो जाएगा अब बाई हो जाएगा आपका पंद्रह हो जाएगा यह तो यह ध्यान देंगे इसमें पंद्रह दस है तो इसमें यह का जाएगा टू पे पावर हो जाएगा टू पे पावर हो जाएगा चालीस हो जाएगा टू पावर हो जाएगा चालीस आई हो जाएगा गुना टू पावर पंद्रह आई हो जाएगा आपका यह पंद्रह में से दस दस चला जाएगा पंद्रह में से घटता पावर घटता है ना पंद्रह पे पावर पंद्रह जो इसमें दस पावर घट जाएगा तब पंद्रह पावर हो जाएगा पाँच तो इसको इस हो जाएगा आपका पंद्रह पाउंड हो जाएगा पाँच इसको था ये हो जाएगा टू पाउंड हो जाएगा पचपन हो जाएगा आई इन टू हो जाएगा थ्री इंटू फाइव आई पाँच तो पाँच दस और दस पाँच पाँच दस हो जाएगा तो पचपन दस कितना हो जाएगा पैंसठ इस तरह का आपका क्वेश्चन बन रहा है तो देखिए यह जो है आपका मान ली कि यूपी यूपी टेट में आएगा सी में आएगा आपका इस तरह के क्वेश्चन और एस एस में आ जाएगा और एस एस कोई एग्जाम में आ सकता है एस एस सी कोई डी जी डी हो चाहे कोई भी एस एस सी एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन आएगा आपका तो यह क्वेश्चन जो इस तरह का आप आएगा इस तरह क्वेश्चन आपको जो भी है सिंपल से हार्ड से हार्ड कोई भी क्वेश्चन है आपका मेन्स और एडवांस सब के क्वेश्चन आपको इसमें मिलते रहेगा तो आप एक नए हैं तो इसका कि ये सब सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए और बेलाइकन को दबा दीजिए क्योंकि आज सब आपको मतलब नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हर एक मतलब कि हर एक जो कॉम्पटिशन है जिसमें मैथ को इंक्लूडेशन किया गया है मैथ उसमें है तो उसको हर एक आपको टॉपिक मिलेगा टॉपिक बाई टॉपिक मिलेगा तो आप इसको लिए आप बने रहिए तब तक जाने को मदद दिए जय मिलते हैं नई वीडियो में